बहुत लंबे इंतजार के बाद जेएनएम की मेरिट लिस्ट जारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज बडी नरेश ठाकुर के साथ। आज हम बात करेंगे जेएनएम काउंसलिंग के बारे में, क्या प्रोसीजर रहता है, कब तक काउंसलिंग हो सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी तक अप्लाई नहीं हो पाए हैं। कुछ लोगों ने कौन सा सर्टिफिकेट नहीं दिया है, कुछ लोगों की फीस अभी तक अप्लाई नहीं हो पाई है। तो आप देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि आपके पास काउंसलिंग की डेट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। जैसे कि मेरिट लिस्ट आ चुकी है, मेरिट लिस्ट आने के साथ ही लगभग एक दो हफ्ते के अंदर अंदर के अंदर आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा। अगर हम प्रीवियस की बात करें तो प्रीवियस काउंसलिंग का जो शेड्यूल था वो 10वें महीने में हुआ था, इस बार थोड़ा जल्दी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ लिखा है जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए आएंगे उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, चाहे 10th का सर्टिफिकेट हो, डेट ऑफ बर्थ उनकी मैच होनी चाहिए, प्लस 2 का सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। सब कैटेगरीज में आते हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस आईआरडीपी के सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन, बोर्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये सब सर्टिफिकेट आपके पास हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन ग्रांट, तो ये सब आपके रिसेंटली बने हुए होने चाहिए। हिमाचली बोनाफाइड तो चलो बहुत लंबा होता है, लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, विद इन 6 मंथ वाला आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और बोनाफाइड करेक्टर सर्टिफिकेट आपका दोनों आपके तहसीलदार, ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट और हिमाचली बोनाफाइड करेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों तहसील द्वारा, जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ये तहसीलदार द्वारा इशूड होना चाहिए। सिलेक्शन लेटर पर्सनली किसी को नहीं आएगा, सीधा लिस्ट लगेगी प्रीवियस ईयर की तरह। लास्ट ईयर भी www.gov.in/lastyear कोई भी किसी को पर्सनल काउंसलिंग भरने के बाद भी कॉल लेटर नहीं आता है इसमें सीधा आपको www.hp.gov.in/hpdmir पर नोटिस बोर्ड पे ही आपके सिलेक्शन कैंडिडेट की आएगी। कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के दौरान भी उनका व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी करेक्टली भरनी है एप्लीकेशन फॉर्म में। इन एनी केस लैप्स ऑफ द फाउंडर ऑफ द रिकार्ड डिपार्टमेंट विल नॉट बी आंसरेबल, ठीक है। तो आपको आपका काउंसलिंग के दौरान व्हाट्सएप नंबर देना है, ईमेल आईडी आपके करेक्ट होने चाहिए। अब आपको हम फर्दर बता देते हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि मेरिट लिस्ट चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने जिन जिन स्टूडेंट का कौन सा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो आपका यहाँ पे आपके नाम के आगे मेंशन है। जिन लोगों के पास नहीं है वो बनवा लें, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आजकल 3 से 4 दिन में बन जाता है, अगर लैंडस्लाइड वगैरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो उसके बाद जल्दी काउंसलिंग भी जारी हो सकती है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की तो प्रीवियस ईयर में भी आप देख सकते हैं उन्होंने साफ साफ काउंसलिंग का लिखा था। काउंसलिंग के बाद यहाँ पे सिलेक्शन लेटर आए थे, काउंसलिंग का इन्होंने देखिए साफ लिखा था डिपार्टमेंट ऑफ द मेडिकल एजुकेशन रिसर्च हिमाचल प्रदेश, जो भी एडवर्टाइज किया गया था दिव्य हिमाचल के द्वारा और ट्रिब्यून में कि 2/7/2022 और 3/7/2002 में एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं अप्लाई करना चाहते हैं वो कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट पासिंग प्लस 2 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जिनके पास अभी तक प्लस 2 का सर्टिफिकेट नहीं है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लें, अगर आपके पास नहीं है तो अपने स्कूल से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लें क्योंकि रिजल्ट तो आपका आ चुका है, नहीं तो आपको एडमिशन के टाइम पे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसी तरह से लास्ट ईयर में भी आया था, इस तरह से इसी साल भी आएगा, कट ऑफ मिनिमम जो परसेंटेज रहेगी उसके साथ, और आपका जो वेन्यू था लास्ट ईयर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम शिमला में था, और इस तरह से आपकी जो कट ऑफ है और डेट यहाँ पे बताएगी। जब शेड्यूल आएगा तो हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन से कैंडिडेट को किस दिन काउंसलिंग में जाना है। उसके साथ ही ऑल द एप्लीकेंट सभी कैंडिडेट को यहाँ पे अप्लाई करने से पहले और उसके साथ सारे कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाता है कि काउंसलिंग का शेड्यूल और डेट आपको वेन्यू अलॉन्ग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाना है, चाहे आपका 10th का हो, प्लस 2 का हो, करेक्टर सर्टिफिकेट हो और तहसीलदार द्वारा इशू होने चाहिए सर्टिफिकेट, चाहे आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस आईआरडीपी वार्ड विडो कोई भी डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन ड्यूली साइंड बाय द डिप्टी कमिश्नर सैनिक वेलफेयर से होना चाहिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन का कोटा ले रहे हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तब भी आपका हर एक की ई फोटो कॉपी होनी चाहिए आपके पास, ड्यूली असाइंडेड बाय सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फर्दर फॉर एनी क्लेरिफिकेशन कैंडिडेट में इंक्वायरी फ्रॉम द डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, वो इंक्वायरी भी करवा सकते हैं आप भी, फर्दर आपको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। उसके साथ ही इन्होंने देखो साथ में ये भी लिखा था लास्ट ईयर ऑल द एप्लीकेंट आर इन्फॉर्म दैट ओनली दोज फॉल इन मेरिट लिस्ट अगेंस्ट द एज कैटेगरी अबव वी कंसीडर फॉर द काउंसलिंग परसेंटेज कैटेगरी वाइज आर, कोई भी स्टूडेंट है सबको
को 11:30 बजे से पहले काउंसलिंग के दिन वहाँ पे पहुँचना होगा। अगर एक बार वो अपने डेट और टाइम पे नहीं पहुँच पाते हैं तो उसके बाद उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा किसी भी केस में। द काउंसलिंग शैल बी हेल्ड एज पर द शेड्यूल गिवन इन द नो लेटर इंटीमेशन विल बी सेंट सेपरेटली। काउंसलिंग होने के बाद भी आपको कोई भी लेटर सेपरेटली नहीं आएगा, मैंने पहले भी बता दिया। लास्ट ईयर COVID-19 था तो उसके साथ उन्होंने ये भी बोला था। अब साथ में ये भी लिखा है कि कोई भी अटेंडेंट गार्डियन अलाउड नहीं होगा ऑडिटोरियम में एक्सेप्ट द कैंडिडेट। आपको ऑडिटोरियम में जो काउंसलिंग होगा अकेले जाना है, अकेले एडमिशन लेना है। उसके साथ ही सिलेक्शन लेटर आपका अपलोड हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे आपका कॉलेज वाइज जो सिलेक्शन कैंडिडेट की लिस्ट है वो आती है, वही लगेगी। उसके साथ ही हम अगर आप बात कर लें जो कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, तो सर्टिफिकेट हमने बता दिया। आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो अभी बनवा लें। और काउंसलिंग का शेड्यूल लगभग इस महीने होने जाना चाहिए। लास्ट ईयर तो थोड़ा लेट हो गए थे शायद कोरोना की वजह से, लेकिन इस बार हो सकता है, लेकिन इस बार थोड़ा बरसात ने अगर साथ दिया तो काउंसलिंग आपकी विद इन 1 वीक में आपको दिख जाएगी कि 1 हफ्ते के अंदर आपके पास शेड्यूल आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो जो लोग इन सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं वो अपने सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। EWS सर्टिफिकेट वगैरह आपके लेटेस्ट होने चाहिए। तो जब भी काउंसलिंग का लेटेस्ट शेड्यूल आता है इस साल का, तो आपके लिए वीडियो हमारे चैनल पर बन जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।